हेलो स्टूडेंट, बीसीई के फर्स्ट यूनिट के लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बेसिकली हम यहाँ पर सॉफ्टवेयर जानने वाले हैं और अलग अलग टाइप के क्या सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे पास, वो भी हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि सॉफ्टवेयर आखिर होता क्या है। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट इनेबल्स फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर टू वर्क इन अ सिंक्रोनाइज्ड वे इज नोन एज सॉफ्टवेयर। हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल होते हैं जो कि जिन्हें हम फिजिकल कंपोनेंट्स, मतलब क्या हुआ, इनपुट देते हैं हमारी तरफ से, फिर उन्हीं पर प्रोसेसिंग होती है और ये सब साथ में सिंक्रोनाइज वे में वर्क करते हैं और इसी पूरी प्रोसेस को, इसी पूरी चीज को, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम बोलते हैं हमारा सॉफ्टवेयर। ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस वर्ड यूज करा गया है उसे हम प्रोग्राम्स भी कहते हैं। अभी यहाँ पर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या हुआ, जो जो हमारा एग्जांपल था 5 + 7 = 12 का, मान लीजिए अभी मुझे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती है, मुझे सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये सब क्या होता है मालूम ही नहीं है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर मैं आपको पॉइंट्स लिखने को बोलूं, मैं आपको एल्गोरिथम, जो मैं वर्ड यूज कर रही हूँ एल्गोरिथम, आगे जाके हम समझेंगे भी ये वर्ड का मतलब क्या होता है। अभी आप समझ जाइए कि इस पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व करने के जो स्टेप्स लिखते हैं उसको हम बोल सकते हैं एल्गोरिथम। तो मैं यहाँ पर अगर आपको इसको सॉल्व करने के स्टेप्स लिखने को बोलूंगी तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या हो जाएगा, इनपुट 5 और 7, आपको यूजर से इनपुट लेना है 5 और 7। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या हो जाएगा, एड 5 और 7, आपको 5 और 7 को एड करना है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टोर 12, हमारे पास जो रिजल्ट आया है 5 और 7 का उसे स्टोर करना। लास्ट स्टेप हमारे पास आ जाएगा डिस्प्ले आउटपुट। सो इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए अगर इन इंस्ट्रक्शंस में मैंने 5 और 7 की जगह पर कुछ और नंबर्स दे दिए, 3 और 2 दे दिया, और मैं अभी भी यहां पर करना क्या चाह रही हूँ, इनका सम ही करना चाहती हूँ, तो मुझे सिर्फ इनपुट हमारे पास है उनको चेंज करना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंगली हमारे इंस्ट्रक्शंस चेंज नहीं हो रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस सेम रहेंगे, बस हमारा इनपुट चेंज हो गया है। तो उसके थ्रू यहां पर हम ऐड कर देंगे 3 और 2, रिजल्ट आ जाएगा 12 की जगह पर हमारे पास 5, और उसी रिजल्ट को हम आउटपुट को हम डिस्प्ले कर देंगे। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस, हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, इसी को हम बोलते हैं प्रोग्राम, और अलग अलग छोटे छोटे प्रोग्राम, सब सब प्रोग्राम्स को मिलाकर एक हमारा बन जाता है पूरा सॉफ्टवेयर। सो यही सॉफ्टवेयर हमारा क्या कहलाता है, जिसकी वजह से हमारा कंप्यूटर बहुत इजीली, बहुत कन्वीनियंटली वर्क कर पाता है और इवन यूजर्स को समझ आ पाता है। नहीं तो जब इनिशियली कंप्यूटर्स डिजाइन हुए थे तो वो एक तो बहुत बड़े बड़े दिखते थे, उसके बाद वो एक सिंपल सा एडिशन परफॉर्म करने के लिए उसे 1 घंटा लगता था। जैसे जैसे हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स में हमने उन्नति करी है, वैसे वैसे ही हमारे यूजर्स के लिए कन्वीनियंट हो पाया कंप्यूटर्स को समझ पाना। नहीं तो पहले कंप्यूटर्स को समझना इतना इजी नहीं हुआ करता था। दैट मींस कंप्यूटर कैन नॉट डू एनी यूजफुल वर्क विदाउट द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द सॉफ्टवेयर। अगर आपके सॉफ्टवेयर से कोई इंस्ट्रक्शंस ही नहीं मिलेंगे आपके कंप्यूटर को, तो वो कोई भी मीनिंगफुल वर्क नहीं कर पाएगा। अब हमारे पास सॉफ्टवेयर्स में अलग अलग टाइप्स होते हैं। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, तीसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और लास्ट है हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इन सभी सॉफ्टवेयर्स को हम इंडिविजुअली देखेंगे और इवन इनके जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं रियल लाइफ में, हम वो भी समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इज डिजाइन टू रन ऑन अ कंप्यूटर्स हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। जो हमारा सिस्टम प्रोग्राम होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, वो एक टाइप का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर पे रन करने के लिए होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे रन करने के लिए होता है। यहाँ पर हम सोचते हैं कि जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो ही पूरा कंप्यूटर रन कर रहा है, सिस्टम वर्ड क्योंकि हमने यूज कर लिया है, बट एक्चुअली में ये हमारे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स है हमारे पास और जो हमारा कंप्यूटर का हार्डवेयर है, उनके बीच में एक तरीके का इंटरमीडिएट या कह सकते हैं इंटरफेस का काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए, अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अभी हम उसकी डेफिनेशन भी समझेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डे टू डे जो आप यूज कर रहे हैं व्हाट्सएप हो गया, और हमारा हार्डवेयर हमारा मोबाइल हो गया,
तो उन दोनों के बीच में इंटरफेस का काम करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि है हमारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन। जो हमारे पास एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हो गया हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, व्हाट्सएप हो गया हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और मोबाइल हार्डवेयर जो कंपनी का बन रहा है वो हो गया। तो मोबाइल हार्डवेयर हमारे पास अगर सैमसंग का है, सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पास एंड्रॉइड का है, एप्लीकेशन जो हम उस पर रन कर रहे हैं वो हमारे पास व्हाट्सएप कंपनी का है। तो इस तरीके से हमारा ये सब साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं, इसलिए हमारा एक मोबाइल या कंप्यूटर वर्क कर पाता है बिल्कुल परफेक्टली। तो ये होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसका बेस्ट एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अभी मैंने आपको एंड्रॉइड बताया था, हमारे पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमारे पास लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इतने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है हमारे पास मार्केट में। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद जो हमारा नेक्स्ट टाइप था सॉफ्टवेयर का वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बहुत हद तक आप अभी तक समझ सक चुके होंगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आखिर होता क्या है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसको हम एप्लीकेशन प्रोग्राम भी बोल सकते हैं, सिर्फ एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं, और आजकल जो यूज होता है वर्ड एप्स भी बोल सकते हैं। ये एक तरीके का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि डिजाइन करा जाता है एक कोई स्पेसिफिक टास्क को रन करने के लिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसा कि मैंने अभी आपको बताया व्हाट्सएप हो गया, जिसके पास एक स्पेसिफिक टास्क उसे मिला हुआ है, और ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो प्रोग्राम है, वो यूजर से कनेक्ट होता है, ये यूजर से बातचीत करता है, इसका कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होता है यूजर से। इसी कारण ये काफी यूजर फ्रेंडली बनाया जाता है। इसके जो ग्राफिक्स होते हैं, इसका जो पूरा आपका आइकन होता है उसके अंदर, जिस तरीके से आप व्हाट्सएप खोलते हैं, टाइप कर सकते हैं मैसेज कॉन्टेक्ट सर्च करके, आप इवन व्हाट्सएप पे मीडिया वर्क भी कर सकते हैं, आपका इमेजेस आते हैं, आपके पास एक हद तक खुद की व्हाट्सएप की बैकअप स्टोरेज एरिया होता है, जहां पर आप पूरा अपना डेटा भी आपका सेव रहता है। आप बाद में किसी और सिस्टम सॉफ्टवेयर पर इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को फिर से इंस्टॉल करेंगे तो आप अपना पुराना जितना भी डेटा था उसे बैकअप करके उस पर चला पाते हैं। तो ये हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का बेस्ट एग्जांपल है। इसमें हमारे पास वर्ड के लिए आपके पास एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, मीडिया प्लेयर्स, अकाउंटिंग करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं, ये सभी कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ही एग्जाम्पल्स होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है, थर्ड टाइप, वो है हमारा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर प्रोग्रामर्स इस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स को यूज करते हैं दूसरे प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स या दूसरे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स या दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स या फिर कह सकते हैं दूसरे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स को इन्वेंट करने के लिए, डेवलप करने के लिए, राइट करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, डिबग करने के लिए। ये जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एक हम प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हमारे इस प्रोग्राम के थ्रू ही, हमारे इस बीसी सब्जेक्ट के थ्रू ही पढ़ेंगे, उन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू हम एक दूसरा प्रोग्राम बना पाते हैं जिसमें हम हमारे हिसाब से हमारे पास जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको सॉल्व करके, ताकि उससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो, उस टाइप का हम प्रोग्राम बना पाते हैं। हमारे पास एग्जांपल्स के तौर पे असेंबलर है, कंपाइलर है, डिबगर है, इंटरप्रेटर है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है लास्ट सॉफ्टवेयर का टाइप, वो है हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अभी तक हमने पढ़ा है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर परफॉर्म सर्टेन टास्क लाइक वायरस डिटेक्शन, इंस्टॉलेशन, अनइंस्टॉलेशन, बैकअप करना, डिलीट करना डेटा को, ये सभी जो काम है हमारे वो करता है हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो हमारे पास एग्जाम्पल्स क्या हुए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का, हमारे पास एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं, अलग अलग कंपनीज का होता है, नॉर्टन का होता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, कुक हिल का होता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ये क्या हुए एक तरीके के यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हुए। फाइल मैनेजमेंट टूल्स रहता है हमारे पास, अगर आप मोबाइल में जाएंगे कि जिस भी कंपनी का मोबाइल हो आपके पास फाइल मैनेजर होता है, वो भी एक टाइप का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हुआ। कंप्रेशन टूल्स होता है हमारे पास, अगर हमारे पास इमेज जो है हमारा बड़े पिक्सल्स का है, बड़े रेजोल्यूशन का है, तो हम उसे कंप्रेस करके, ताकि वो हमारे, जैसे फॉर एग्जांपल आप व्हाट्सएप पर आपके पास एक लिमिट रहता है इतने एमबीज के बाद का आप डेटा नहीं भेज सकते हैं, तो आप क्या करते हैं उसको कंप्रेस करके भेज सकते हैं। और हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि व्हाट्सएप पर आप इमेज मत भेजिए, आप उसकी फाइल भेजिए, क्योंकि अगर हम इमेज भेजते हैं तो व्हाट्सएप ऑलरेडी उसमें प्री इंस्टॉल्ड है कंप्रेशन टूल, ताकि उसके थ्रू हमारा जो इमेज या वीडियो का जो भी रिजोल्यूशन होता है वो कम हो जाता है, इसलिए हम उसको फाइल के रूप में बुलाते हैं, तो फाइल के रूप में वो कंप्रेशन वर्क नहीं कर पाता है, क्योंकि वो हमारा चलता है हेडर के अकॉर्डिंगली, वो हमारा चलता है जो डॉट एक्सटेंशन होते हैं फाइल्स के, डॉट पीडीएफ, डॉट जेपीजी,
इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास कंप्रेशन टूल्स वर्क करते हैं। इसके अलावा हमारे पास डिस्क मैनेजमेंट टूल होता है, हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को वर्क करने के टूल्स होते हैं, ये सभी कुछ हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के ही पार्ट होते हैं। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा है सॉफ्टवेयर और उसके अलग अलग टाइप्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर।